सबसे पहले तो एफबीटीआई कोलकाता लिटरेरी कमेटी के बहुत धन्यवाद। आज भोजपुरी भाषा में भी विश्व स्तरीय संस्थान में बोलने का मौका मिलता है। भोजपुरी भाषा बहुत पॉपुलर वर्ड है, बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर भोजपुरी भाषा का। लेकिन तकलीफ ये बात के बाद कि पॉपुलरिटी के कारण गलत बट भोजपुरी भाषा आज के समय में पर्याय बन गए बड़े द्विअर्थी संवाद वाले गानों के, जेकर नजारा हम सरस्वती पूजा विसर्जन में मतलब भोजपुरी गाना बजे के चाहिए अगर खाली मार होता सुन के बड़ा भोजपुरी गाना बजे लगेला आग सर से झुक जाला नीचे। तो कम से कम संस्थान में बहुत सारा संख्या बढ़े भोजपुरी छात्र के, भोजपुरी स्टाफ लोग के बहुत ज्यादा संख्या बढ़े, तो कम से कम ये बात के रोके के चाहिए ना कि भोजपुरी के पहचान सब गानों से ना हो। भोजपुरी के पहचान बहुत पुराना बहुत मिठास है भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा के यदि लोकगीतन के बात किए जाओ तो हर सीजन खातिर अलग अलग गाना बनाओ, जैसे फागुन महीना में फाग, चैत महीना में चैता, सावन महीना में कजरी, लड़का के जन्म पर सोहर, बधैया, शादी विवाह के मौका पर हर मौका खाती वो गीत पढ़। आज अंग्रेजी से लेके हिंदी तक सब गाना लोगों से सुन लिया, लेकिन कैसे करे ब्याह के दिन वो गीत गाते तो बूढ़ी झुका ले। शारदा सिन्हा के बारे में कभी सुन लिया? देखिए शारदा सिन्हा कहले रही है कि हम लोग गीत गायिका बननी है के पीछे कारण रहा हमने क्या है, वो बिहार में रिवाज है जब शादी होकर जब दूल्हे डोली से उतरे डोली छटाई वाला हो, घर के केहू लड़की चाहे केहू भी खड़ा हो जा रहा द्वार पर भैया कुछ मिले नेक मिले के चाहे बाद डोली से उतरे दी घर, तो नेक खाती तो वो लाइन गीत गावे कर रहा शारदा सिन्हा। वजह से शारदा सिन्हा के शुरुआत हुई। शारदा सिन्हा मुख्य रूप से मैथिली के लोक गायिका माना जा रही, लेकिन वो भोजपुरी में बहुत सारा गाना गोले बड़ी। एजा बैठक में से बहुत कम लोगों के पता हो कि भोजपुरी में शेक्सपियर के संख्या मिले बड़े भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर माना जा रहे, जो पहला उपन्यास लिखने रहे भोजपुरी भाषा में बिंदिया नाम हो, लेखक शायद भिखारी ठाकुर ना हो लेकिन बिंदिया पहला उपन्यास भिखारी ठाकुर के लिए विदेशिया बहुत प्रसिद्ध किताब। ये मौका पर एक कल असल में कुछ पढ़त रहनी तो हमने नाम मिला उन्होंने सारण छपरा जिला के विश्वनाथ शर्मा के बारे में, जिनके पास लगभग 10,000 बुक्स के कलेक्शन बढ़े लाइब्रेरी में। वो 10,000 किताब में 8,000 किताब भोजपुरी भाषा से संबंधित है, और किताब जमा के यहाँ मिलन जगह जगह जाकर के पैसा रुपया उतना रही तब ने जो जमा करी भाई रिटायर्ड शिक्षक तो जगह जगह जाके मांग मांग के वो किताब इकट्ठा करके अपने पास 10,000 किताब के वो लाइब्रेरी बनोले बने। आज भोजपुरी भाषा पर कोनो प्रकार के रिसर्च बिना वो लाइब्रेरी के अंदर गई पुरानी के। अंत में एक तो हास्य कविता के चार लाइन कहीं से मिल गया कल खोजत खोजत बैठा गया। कविता के प्रसंग ही बटे की एक व्यक्ति अपना गांव में एक जना के फोन करता है अपना चाचा के, अब पूछा था कि चाचा का हाल चाल, तो चाचा जो जवाब देता है कविता बहुत लंबा बाटे लेकिन हम चार लाइन खाली लिख के ले नहीं हो में से। दुई कट्ठा मकई बोनी भैंस गई चोर के मकई बोली भैंस गई चोर के, अब वैसे तो समाचार निम्ने बाबर। बेटा के ब्याह करनी श्रद्धा से इतना, बेटा के ब्याह करनी श्रद्धा से इतना, अब बेटिया सब सकार लिहलस कहनी हम जितना। नाम भर के बरच्छा मिलो, बरच्छा मतलब शादी तय होने से पहले जो लड़का संबंध जो रोका जिसको बोलते, नाम भर के बरच्छा बरच्छा मिलो फैलन सन हचड़ के। नौजवान
नौजवान पीढ़ी के समर्पित बा कुछ हद तक, थोड़ा ज्यादा नौजवान पीढ़ी के। पीरिया चरित्र का पूछिए मरद बेचारू, पीरिया चरित्र का पूछिए मरद बेचारू, पुतो पराया भई पहलस मेहरार। अलगे अलगे चूल्हा बदली दुल्हन डोली से उतर के, समाचार निम्न बना।